मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पॉलीमर्स के अंदर इनके प्रकार देख रहे थे और इनका हमने वर्गीकरण किया इनको इनके संश्लेषण के आधार पर। संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण में हमने इन्हें दो भागों में बांटा। पहला था योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा था संगणन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलक और दूसरा संगणन बहुलक। देखिए योगात्मक बहुलक कौन दर्शाते हैं? कोई भी असंतृप्त अणु जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, वे आपस में जुड़के एकलक इकाइयां आपस में जुड़के उनकी पुनरावर्ती से योगात्मक बहुलक बन जाते हैं। इनके एग्जांपल्स थे पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन था, पॉलीस्टाइरीन था, पीवीसी था, टेफ्लॉन था। टेफ्लॉन के अंदर देखो N मॉलिक्यूल इस तरीके से कंबाइन होते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन के, और उनके बहुलीकरण से हमें ये टेफ्लॉन प्राप्त होता। इनमें जो बहुलक है उसका अनुभार किसका, बहुलक का अनुभार एकलक इकाई के अणुभार का क्या होता है, सरल गुणक होता है, सरल गुणक होता है, ठीक है। बहुलक का अणुभार एकलक इकाई के अणुभार का सरल गुणक होता है। तो इस तरीके से हमने इन्हें दो भागों में बांटा। अब देखिए अगला प्रकार है संगणन बहुलक। देखिए उसमें क्या होता है, संगणन बहुलक ऐसी एकलक इकाइयां जिसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उनके संयोग से बनते हैं, ठीक है। तो अगला प्रकार है हमारा संगणन बहुलक। ऐसी एकलक इकाइयां जिनमें दो या उससे अधिक क्रियात्मक समूह हो वे आपस में जुड़के क्या बनाएंगे, संगणन बहुलक बनाएंगे। तो देखिए संगणन बहुलक में एकलक के दो या दो से अधिक अणु एकलक के दो या दो से अधिक अणु दो या दो से अधिक अणु आपस में संगठित होकर
संगणन बहुलक बनाते हैं, संगणन बहुलक बनाते हैं, वे एकलक जिनमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, वे एकलक जिनमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके बहुलीकरण से, उनके संगणन से बहुलकों का निर्माण होता है। देखो इस बहुलीकरण की प्रक्रिया में छोटे अणु जैसे कि H2O हुआ, NH3 हुआ, ये सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो देखो इस बहुलीकरण की प्रक्रिया में, इस बहुलीकरण की प्रक्रिया में छोटे अणु जैसे H2O, NH3 आदि प्राप्त होते हैं, सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। देखो इस इसमें प्राप्त बहुलक का अनुभाग, इसमें प्राप्त बहुलक का अनुभाग एकलक इकाई के अनुभाग का, एकलक इकाई के अनुभाग का सरल गुणक नहीं होता है, सरल गुणक नहीं होता। ठीक है, देखिए कैसे संगणन बहुलीकरण से हम इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नायलॉन 6-6। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? नायलॉन 6-6 एग्जांपल, नायलॉन 6-6 ये किससे बनता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से। इसके एन मॉलिक्यूल ठीक है कंबाइन होंगे एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल ये एडिपिक अम्ल है, इसके एन अणु आपस में जुड़ेंगे, ये क्या है? एडिपिक अम्ल। अब देखिए यहां पर दो एच है हेक्सामेथिलीन में, तो यहां से ये वाटर रिलीज हो जाएगा और ये अमाइड बंध के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में जल का अणु बाहर होगा, माइनस एन H2O, H2O के एन मॉलिक्यूल यहां से बाहर जाएंगे और हमें जो बहुलक मिलेगा, देखो यहां से तो ये एच जाएगा, यहां से ये ओ एच जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर श्रृंखला से इसमें इससे और दूसरे हम जुड़ेंगे तो ये एफ तो देता है ओ एच और ये देता है एच, इसलिए हमें उत्पाद के रूप में इस तरीके से ये बहुलक प्राप्त होगा। इसकी एन इकाइयां प्राप्त होगी, इसे हम बोलते हैं नायलॉन 6-6।
तो यह एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। देखो एक्सोमिथिलीन डायमी एवं एडिपिक अम्ल के संघनन से नायलॉन 66 प्राप्त होता है। नायलॉन 66 प्राप्त होता है। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए नायलॉन 66 की, कैसे बनता है। तो इस तरीके से ये बनता है नायलॉन 66, ठीक है। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फेलिक अम्ल के संघनन से भी क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है, वो भी संघनन रोधक का एग्जांपल। तो ये था संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। अब देखिए अगला वर्गीकरण हम देखते हैं, बहुलक श्रृंखला वृद्धि के आधार पर। बहुलक श्रृंखला वृद्धि के आधार पर कैसे श्रृंखला बढ़ती है, बहुलक की किस तरीके से बढ़ती है, इसके बारे में हम जानकारी का करेंगे, ठीक है। तो देखिए देखो बहुलक श्रृंखला वृद्धि के आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला श्रृंखला वृद्धि बहुलक, पहला कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक, ये इसमें कहा जाता है जब युगात्मक बहुलीकरण में एक
तो उनमें श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है योगात्मक बहुलीकरण में। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे श्रृंखला बढ़ती है। देखो ये एथिलीन है, अब देखो बहुलीकरण की प्रक्रिया किसी मध्यवर्ती के द्वारा आगे बढ़ती है और इसमें जो मध्यवर्ती बनते हैं या तो मूलक बनता है या कार्बन कटायन बनता है या कार्बन एनायन बनता है, उनके द्वारा ये अभिक्रिया श्रृंखला आगे बढ़ती है। तो देखिए इसका बहुलीकरण होता परोक्साइड की उपस्थिति में। ये क्या है? परोक्साइड, इनकी उपस्थिति में इसका बहुलीकरण होता है। इसके एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और हमें प्राप्त होता है ये कोलेकी। अब ये कैसे प्राप्त होता है ये देखिए, परोक्साइड की उपस्थिति में होगा। देखो क्रियाविधि देखते हैं इसकी कैसे हुआ। देखो पहले क्या होगा, परोक्साइड आपस में टूटेंगे तो ये परोक्साइड है, परोक्साइड इनको हमने गर्म किया तो ये इस तरीके से टूटे दो मुक्त मूलकों में। ये क्या बन गए? दो मुक्त मूलक बन गए। अब ये मुक्त मूलक यहां से फिर बन टूटेगा इसी ओर तो बाहर, दो आर मूलक और दो सीओ टू बाहर, ये मुक्त मूलक बन गया स्थायी मध्यवर्ती। आर ये क्या है? मध्यवर्ती मुक्त मूलक। ये क्या है? मध्यवर्ती मुक्त मूलक। तो पहले परोक्साइड का कन्वर्जन होगा मुक्त मूलक में, अब देखिए ये मुक्त मूलक फिर क्रिया करेगा हमारे स्थिर श्रृंखला से। तो यहां तक आप नोट कीजिए, देखो जब एकलव इकाइयां योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा श्रृंखला में वृद्धि कर बहुलक का निर्माण करती है तो प्राप्त बहुलक श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहलाता है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहलाता है। यह प्रक्रिया मध्यवर्ती मुक्त मूलक सेकेंड कार्बोकैटायन कार्बोधनायन कार्बोऋणायन कार्बोएनायन मध्यवर्ती मूलक कार्बोकैटायन कार्बोऋणायन द्वारा संपन्न होती है।
बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, परोक्साइड से प्राप्त, परोक्साइड से प्राप्त मुक्त मूलक की उपस्थिति में, मुक्त मूलक की उपस्थिति में होता है, मुक्त मूलक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो पहले जवाब आप देखो, ये एथीन है, परोक्साइड की उपस्थिति में मोनोजीन कन्वर्ट होता है, कैसे हुआ, इसलिए इसकी मैकेनिज्म देखी। पहले पद में ये परोक्साइड गर्म करने पर ये एल्किल मूलक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा हमारी एकलक इकाई से एथीन से और श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिए और देखिए फिर क्या होता है आगे। इसके बाद देखो मैं अगला पद लिख रहा हूं, पहले पद में तो क्या हुआ, ये मुक्त मूलक बन गए। स्टेप फर्स्ट था ये हमारा, अब स्टेप सेकेंड में क्या हुआ, ये अटैक कर देगा आर मुक्त मूलक हमारे एल्कीन पर, एक लग इकाई पर, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर, एक इधर, और ये इस एल्किल मुक्त मूलक से जुड़ जाएगा, एक कार्बन दोनों में बंध बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आर का एक सी का, दोनों में बंध बन गया और इस तरीके से ये मुक्त मूलक बन जाएगा। यानी किसने क्या किया, श्रृंखला में मुक्त मूलक, एक नया मुक्त मूलक बना दिया, इसे बोलते हैं हम एकलक मुक्त मूलक, एकलक मुक्त मूलक। अब ये दूसरे, ये मुक्त मूलक जो बना है एकलक मुक्त मूलक, ये अब दूसरे एथीन के एकलक इकाई में आक्रमण करेगा। ठीक है, तो इस पे अब दूसरा एकलक इकाई जुड़ेंगे एथीन की, जोड़ेंगे तो ये टूटेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस पे, इस पे, और ये मुक्त मूलक इससे जुड़कर दोनों में बंध बन जाएगा। फिर देखो ये CH2 है ना, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बंध टूट के यहाँ एक इलेक्ट्रॉन C पर, तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये मुक्त मूलक इससे जुड़ के, ये मुक्त मूलक इससे जुड़ जाएगा CH2 R, ये बना दे। तो इस तरीके से अनेक इकाइयां जुड़ेंगी आपस में और पॉलीथीन बहुलक बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। Thank you.
हमारे टाइम में सुबह बन गई थी हमारा टाइम में सुबह बन आप देखिए पहले पद में क्या हुआ, मुक्त मूलक बना एल के मुक्त मूलक। अब ये मुक्त मूलक हमारे एक पद का ही एंटी पे अटैक करेगा, फिर एक लाख मुक्त मूलक बना देगा, फिर ये दूसरी एक लाख इकाई से जुड़ के लगातार इस श्रृंखला बढ़ती रहेगी और हमें हमारा मूलक बोली थी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा श्रृंखला वृद्धि बहुलक। आप देखिए अगला है श्रृंखला वृद्धि बहुलक के बाद अगला है पद वृद्धि बहुलक। पद वृद्धि बहुलक, पद वृद्धि बहुलक से इंक्रीज बहुलक। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है पदवृद्धि बहुलक में, देखो दो स्वतंत्र एक लाख इकाइयों में संघनन से, दो स्वतंत्र एक लाख इकाइयों में संघनन से प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से, प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से इस प्रकार के बहुलकों का, इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखिए ये क्या है, एक लाख इकाई एक, और ये क्या है दूसरी एक लाख इकाई, ये भी एक लाख, ये आपस में जुड़ गए, जुड़ गए तो ए और बी में बंद बन गया और एक्स और वाई में बंद बन गया। ठीक है, और ये एक लाख इतने क्या बना देंगे, ये द्विलक बना देंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एस टू एस थ्री एस सी एल आदि अंगों का निर्माण होता है, आदि अंगों का निर्माण होता है। अब देखो ये ए बी, ए बी से दूसरा ए बी, ए बी जुड़ेगा तो बन जाएगा ए बी, ए बी बहुलक। लगातार ये संख्या बढ़ती रहेगी और हमें क्या प्राप्त होंगे, बहुलक प्राप्त। ठीक है, तो देखिए अब इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा ए बी का ओवर है, ये क्या है बहुलक बन गया, यानी कहीं आपस में जुड़ेगी एन ये तो आपस में क्या बन जाएगा, ये ए बी का ओवर है बहुलक बन जाएगा। देखो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखो फिनॉल और
फॉर्मेल्डिहाइड से, इससे फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों का जब संघनन होता है, इसकी ए का इसकी बी का ही, तो दोनों के संघनन से हमें क्या मिलता है, बेकेलाइट, क्या मिलता है, बेकेलाइट बहुलक मिलता है, जो कि पदवर्ती बहुलक का ही उदाहरण है। तो लिखिए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट का बनना, बेकेलाइट का बनना, ठीक है। अब ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, जो भी लिख रखा है बोर्ड पर। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, वो है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फैलिक अम्ल से, इससे टर्फैलिक अम्ल मिलकर क्या बना देंगे, टेरिलीन। इससे क्या बन जाएगा, टेरिलीन बहुलक बन जाएगा। तो दोनों क्या है, पदवर्ती बहुलक के एग्जांपल हैं, ब्रैकेलाइट और टेरिलीन, जिसे हम डेक्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फिनोल और ये फॉर्मेल्डिहाइड आपस में मिलेंगे, ये द्विदलक बनेगा, वो द्विदलक आपस में जुड़ेंगे, इससे और इकाइयां आपस में बढ़ती जाएंगी, वो बहुलक बन जाएगा, बेकेलाइट। ऐसे ही एथिलीन ग्लाइकोल और टर्फैलिक अम्ल से क्या बन जाएगा, टेरिलीन। आज की क्लास में इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने यहां तक देखा, इनके प्रकार देखें और आगे इनके बारे में, इनकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे।